नमस्ते, साइबर स्मार्ट टीचर इस MOOC कोर्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके लिए यह प्लेटफॉर्म नया है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस कोर्स के अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो कैसे एक्सेस किए जाए। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले आप canvas.instructor.com पर आइए, आपके लॉग इन में आइए। लॉग इन में जब आओगे तो कोर्सेज पर क्लिक करने के बाद आपको साइबर स्मार्ट टीचर ये कोर्स के टैब यहाँ पर दिखाई देगी, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ये इसका नेविगेशन पेज है, यहाँ से आप देखते हैं कि कौन से टैब का क्या उद्देश्य है। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा मॉड्यूल्स पर। मॉड्यूल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सारे लर्निंग मटेरियल्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहिए कि यहाँ पे पूरा लर्निंग मटेरियल ये अरेंज है, मॉड्यूल वाइज अरेंज है। जैसे मॉड्यूल वन के नीचे जिसके जितने भी वीडियोज वो यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, मॉड्यूल टू की यहाँ अरेंज किए गए हैं। तो आप जब भी जिस भी वीडियो पर क्लिक करोगे आप पाओगे उस वीडियो वहाँ पे ओपन हो जाएगा। सारा कोर्स मटेरियल आपको इस लिंक में मिलेगा मॉड्यूल्स में। यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं आगे पीछे। नेक्स्ट वीडियो जैसे ये 1.2 का है तब आगे 1.3 का आ गया नेक्स्ट। इस तरह से ये टूल टिप आएगी, वो बताएगी कि आगे कौन सा लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ से प्रीवियस कर सकते हैं। तो मॉड्यूल में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स के कॉन्टेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ये तीन वीडियोज है, ये एक डिस्कशन है जहाँ पर हमने क्लिक किया था। यहाँ पर हम पाएंगे यहाँ पर ये आपसे आपके एक्सपीरियंस मांगे। जब भी आप यहाँ पर लिखना चाहो तो यहाँ पर आप टाइप करके आपके एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पे पोस्ट रिप्लाई आएगा। तो यहाँ पे आपको डिस्कशन में पार्ट लेना है। यहाँ से आप मॉड्यूल की तरफ से गए थे वहाँ पर डिस्कशन में, तो मॉड्यूल्स में ही आना है। मॉड्यूल्स में ही सारी चीज़ें, ये PDF है जो मैनुअल्स है, यूजफुल है टीचर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर क्राइम का ये भी बहुत अच्छा वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो सारा लर्निंग मटेरियल यहाँ पर अरेंज किया है, ये आप जरूर देखिए। ये मॉड्यूल्स में होगा। आइए देखते हैं बाकी टैब्स क्या है। ये होम पेज है, ये कोर्स का इंट्रोडक्टरी कोर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अनाउंसमेंट भी आ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट जो है। यहाँ पे कोर्स के बारे में जानकारी, कोर्स का पर्पस क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, मेंटोर कौन है एंड डेवलपर एंड ऑल दिस थिंग्स यहाँ पर है, आपको होम पेज में मिलता है। इसके बाद सिलेबस में आप आओगे तो सिलेबस में इस कोर्स का जो सिलेबस यहाँ पे अपलोड किया है PDF में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सिलेबस का मॉड्यूल्स का हमने देख ही लिया है। मॉड्यूल्स में सारा लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है। डिस्कशंस अगर कुछ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो वो उसकी लिंक आपको दिखाई जाएगी। जैसे कि हमने एक्सपीरियंस मांगे थे आपके, तो ये आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। यहाँ से भी आप आ सकते हो, मॉड्यूल्स में भी यहाँ पे आ सकते हो या फिर इस डिस्कशन से भी आप यहाँ पे आ सकते हो। आपके रिप्लाई यहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद टैब है क्विजेस की। क्विजेस में सारे टेस्ट आएंगे, जैसे कि प्रैक्टिस टेस्ट दिए, इसके बाद जो मॉड्यूल 1, 2, 3 से रिलेटेड टेस्ट है वो भी क्विजेस में ही आपको दिखाई देंगे। उसके बाद की टैब है ग्रेड। ग्रेड्स में आपके असेसमेंट होने के बाद जो आपका स्कोर होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में रेगुलरली जो अपडेट मेरे तरफ से किए जाएंगे वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। उनको आप डिटेल में देखने के लिए उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप उसके डिटेल्स में जाओगे। ये अनाउंसमेंट सेक्शन है। उसके बाद असाइनमेंट सेक्शन में भी आपको अगर कुछ असाइनमेंट दी गई है तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम देखेंगे कि इतने सारे टैब्स हैं। अब देखते हैं कि राइट साइड में कौन से टैब्स अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए कोर्स व्यू स्ट्रीम है, मतलब जो रेगुलर अपडेट्स हो, टाइम लाइन काइंड ऑफ थिंग है। देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि क्या क्या किस डेट को क्या किया गया है। देन आप नीचे देखोगे टू डू में देखोगे कि ये जो टाइमलाइन है वो भी एक अलग तरीके से यहाँ पर दी गई है। अगर आप यहाँ से भी जा सकते हो, इस लिंक से भी आप जा सकते हो लर्निंग मटेरियल के पास। तो ये अलग अलग टैब राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है। कोर्स कैलेंडर में अगर असाइनमेंट्स के कुछ डेट्स है, सबमिशन के कुछ डेट्स है तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देंगे, सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। ये अगर डेवलपर की तरफ से ऐड किया गया तो ये आपको ये दिखाई दे सकता है। इस तरह से ये कोर्स के जो आप अलग अलग टैब्स है उसको नेविगेट कर सकते हो। समराइज कर देता हूँ। होम में आपको होम पेज दिखाई देगा, सिलेबस में जो कोर्स का सिलेबस है वो दिखाई देगा, मॉड्यूल्स में आपको लर्निंग मटेरियल और सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी है, देखनी है, इंटरैक्ट होना है, पार्टिसिपेट होना है, वो सारे मॉड्यूल्स में मिलेंगे। डिस्कशंस अगर कोई टॉपिक दिया है तो उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए है। क्विजेस अगर कोई टेस्ट है तो वो टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे।
ग्रेड्स में आपका स्कोर जो है ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अनाउंसमेंट में रेगुलर जो अपडेट्स है वो आपको देखने के मिलेंगे। अगर असाइनमेंट कुछ दी है तो आपको असाइनमेंट यहाँ आएगी। अगर आपको कुछ अपलोड भी करना है तो यहाँ उसके सारे ऑप्शंस आएंगे। इस तरह से कोर्स का बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ दिक्कत आई तो आप हम या तो आप टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में मैसेज करिए या फिर आप इस अनाउंसमेंट सेक्शन में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।